अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब सीवांचल से ताल्लुक रखते हैं और सीवांचल हिंदुस्तान का वो खत्ता है जहां सबसे ज्यादा जलसा होता है। हर शाम हर जिले में तादाद के एतबार से दर्जनों जलसे छोटे बड़े मिलाकर होते हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा खत्ता और इलाका नहीं है जहां इस कदर कसरत से जलसे हों, मगर रोना इस बात पर है कि जिस सीवांचल में दीनी जलसे सबसे ज्यादा होते हो उस सीवांचल में दीनी काम सबसे कम होता है। हमारा समाज हमारा मुआशरा जिनकी तवज्जो आज जलसों पे ज्यादा है, होना चाहिए जलसे जलसों पे तवज्जो, ये कोई खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है, मगर जलसों का जो फायदा होना चाहिए वो भी तो कौम में नजर आना चाहिए। सिर्फ पैसा खर्च करने का नाम जलसा थोड़ी है। जलसे का मतलब होता है साहब कि आप एक रात के जलसे के बाद सुबह उसका बेनिफिट तलाश करें कि हमने जो 5 लाख खर्च किया एक महीना स्कॉर्पियो से टेम्पू से बोलेरो से घूम घूम कर 10-5 चंदा किया, इधर बैनर उधर टेंट उधर माइकिंग, ये खतीब वो नातखा, यहाँ लाओ वहाँ पहुँचाओ, ये खिलाओ वो पिलाओ, ये सारे इंतजाम और इंसराम का बेनिफिट क्या निकला? अगर कोई बेनिफिट नहीं है तो मैं समझता हूँ जलसा इस जमाने में बेसुध हो जाएगा, और अगर बेनिफिट समझ में आ रहा है तो जलसा हर महीने में कराया जाए। मगर बेनिफिट सीवांचल में बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम लोग रोजाना हर शाम किसी न किसी इलाके में होते हैं, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में दूसरे प्रांत में जो बेदारी जो तहरीक उन लोगों के किरदार से उन लोगों से जो देखने को मिलती है वो सीवांचल के नौजवानों में नहीं है। हम 50 जलसे तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम पे, तालीम निस्वा के नाम से दर्जनों जलसे साल में करा लेते हैं, मगर न तो हमारी बच्चियां पढ़ पाती हैं, न हम औरतों को बेदार कर पाते हैं, न हम सामाजिक एतबार से उभर पाते हैं। इसका मतलब कि हमने जलसे को सिर्फ एक मॉडल समझा और इंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन जरिया समझा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत किफायती जलसा रखा है, इसके लिए आप लोग काबिले मुबारकबाद हैं, मगर सिर्फ जलसा करके एक आदमी मरकज का मालिक नहीं हो सकता है। आप लोग आपको जो मैं कह रहा हूँ ये मैं किसी मदरसे या किसी इदारे को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, जलसे की बुनियाद पर हम मरकजियत का काबिल नहीं हो सकते। हमारा मरकज बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ में कितने जलसे होते हैं फिर भी वो हमारा मरकज है, जिंदगी में एक भी जलसा नहीं हो फिर भी वो हमारा मरकज है। तो जलसा करा कर एक आदमी अपने जामिया को अपने इदारे को बड़ा जलसा करा के मरकज बताए ये अलग बात है, मगर अगर मरकज सही मानों में किसी को साबित करना है तो उस जामिया की खिदमात से करना होता है कि उस जामिया के से जो लोग जुड़े हैं उनमें किस कदर बेदारी है, उस जलसे वालों से कितनी बेदारी लोगों में आई है, उस जलसे के खतीब से क्या क्या पैगाम दुनिया को मिला है। जब इस तनाजुर में हम रिसर्च करते हैं तो एक दो छोड़कर हमारे सीवांचल का शायद वो बाएं कोई जलसा ऐसा होगा जहां से इतने बेनिफिट्स हमारे सामने आते हैं। न सुनने वालों की दिलचस्पी है, न सुनाने वालों का इस पे ख्याल है, नतीजा निकलता है साहब एक शब का 5 लाख का जलसा और उसका 5 लाख का पैसा पानी की तरह हमने बहा दिया, फिर भी बच्चियों में वही बेहयाई, लड़कों में वही उरियानियत। अब मैं पूछता हूँ साहब ये हमारे जो इमाम साहब और हमारे जहांगीर भाई और उनकी पूरी टीम जिन लोगों ने ये टेंट करवाया, हमको आपको सबको बुलाया, 50 मरतबा इन लोगों की निगाहें गई होंगी, अभी सड़क के बगल में जलसे के करीब ही वहां पे लोग जुआ खेल रहा है, वहां पे वो जादू दिखाने वाला आया हुआ है, वह जुआ खेल रहा है और 50 लड़के उस जुआबाजों के बगल में खड़े होकर देख रहे हैं कि किनका नंबर आ रहा है, किनका नंबर आ रहा है, कौन जीत रहा है। वो चक्की घूम रही है और पैसा वो बांट रहा है। वो सख्त तरीन हराम फेल जिस जलसे से हो जाए, क्या जलसे वालों की निगाहें इस तरफ नहीं जाती कि हम जिस मकसद से जलसा कर आए उसी मकसद को हम अगर नहीं पा सके और उसी जलसे में इस तरह हराम काम हो जाए। मैं जब आ रहा तो मुझे लगा, मैं तो अख्तर भाई से कहा कि अगर मेरा इलाका होता या मैं मेहमान बन के नहीं आता तो मेरे जूते कम पड़ जाते, इतने जूते मारता है लोगों को। ये नबी की महफिल है और इस नबी की महफिल में जो उलमा आते हैं जहाँ तकरीर सुनाई जाती है वहीं पर अगर जुआबाजी हो जाए, वहीं पे लड़के हमारे 10-5 वो
पैसा लगाकर हासिल करने की कोशिश करें, जुआ खेले, तो मैं समझता हूँ ऐसे जलसे की जरूरत नहीं है। कमेटी जो भी हो उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि हम जो जलसा कर रहे हैं हमारे जलसे में एक भी बच्ची बदनिकाह ना हो पाए, एक भी लड़का कोई गलत नहीं कर पाए। मगर यहाँ क्या होता हमारे सिवांचल में, 50 दुकानें लग जाती हैं, हर दुकान पे दो चार लौंडे खड़े रहते हैं, हर दुकान के आगे एक दो लड़कियां खड़ी रहती हैं। अब उन लड़कियों की लालच पे 10 लड़के वहां पे पड़े हैं, बूढ़े लोग जिनको कोई काम नहीं समझ में आता वो अपनी भलाई के लिए जलसे में आते हैं। मगर असल फायदा जिन नौजवानों को होना चाहिए था वो अभी भी किसी दुकान पे खड़े होंगे, वो चायनोशी कर रहे होंगे, वो जुआ खेल रहे होंगे, वो ताश खेल रहे होंगे, जलसे में आके किसी की आमद का, किसी की डेटिंग का वो इंतजार कर रहे होंगे, किसी से व्हाट्सएप नंबर लेना है, किसी को फेसबुक देना है, किसी को मोबाइल गिफ्ट देना है। ये सारा काम हमारे मुआशरे में कहीं ना कहीं जलसे के नाम पे आज बहुत तेजी से फरोग पा रहा है। इन सारी चीजों पर कमेटी की अव्वल तरीन जिम्मेदारी है। अपने जलसे में बुलाए जाने वाले खतीब की इज्जत बाद में देखा जाएगा, उनके लिए गाड़ी का इंतजाम बाद में होगा, नजराने का इंतजाम बाद में होगा, खाने पीने का इंतजाम बाद में होगा, स्टेज की खुटियां बाद में गड़ेंगी। पहले आप ये सुनिश्चित कर ले कि हमारे जलसे में लड़कियां आएंगी तो किधर से आएंगी, जाएंगी किस रास्ते से, आएंगी किस रास्ते से, बैठेंगी कहां पर, क्या हमारी बच्चियों को कोई आवारा अगर गलती से देखना भी चाहे जलसे में तो क्या देखने का उनको मौका मिल सकता है या नहीं, क्या हमारी समाज की किसी बच्ची की आंखों को ताक ताक कोई बच्ची किसी को देख ले या कोई लड़का हमारी बच्ची को देखकर वो आवारगी पे आमादा हो जाए। इन सारी चीजों को जब तक आप तय नहीं कर लेते, मैं समझता हूं साहब ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ये भीड़ भाड़ वाले जलसे में अगर हमारे समाज की किसी बच्ची की इज्जत को किसी लड़के ने किसी बदतमीज ने पायमाल कर दिया, 50 लाख का भी आप खर्च करके दीन दीन चिल्लाना शुरू कर देंगे, मैं समझता हूं ये दीन नहीं साहब, ये दीन के नाम पे दीन को बेचना होता है, बेहयाई को फरोख देना होता है। खबरदार जो ऐसा मुसलमान हो, पहली बात तो आप अपनी बच्चियों पर पाबंदी बैठा दीजिए, जिस दिन इलाके में जलसे हो अपनी बेटी को अपनी बहन को अपनी माँ को घर में बंद करके ताले मार दीजिए, नाइट तुझे कोई जरूरत नहीं है, वहां तो मर्दों का काम है, वहां तुम क्यों जाओगी। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हम मर्द औरतों को देखना हराम है, हम गैर महरम औरतों को नहीं देख सकते। अरे जिस तरह हम उनको नहीं देख सकते उसी तरह वो भी तो हमको नहीं देख सकती, हम उनके लिए गैर महरम, वो हमारे लिए गैर महरम। मगर यहाँ मेला लगा देना, ठेला लगा देना, दुकानदारी करना, शॉपिंग करना, लिपस्टिक लगाना, उन माँ बाप की जिम्मेदारी है जिनकी बच्चियां 4 बजे शाम से नहा धोकर क्रीम लगाकर पाउडर लगाकर लिपस्टिक लगाकर जलसे में आने की ख्वाहिश करती है। उनका बाप पहले अपनी बेटी से पूछे, ए मेरी बेटी आज तो जलसा मेरे गांव में है, वहां निकाब पहन के जाना है। उस जगह जाने का मतलब होता है वहां हाथ ढका रहे, वहां चेहरा ढका रहे, वहां जिस्म ढका रहे, मगर ये लिपस्टिक किस काम में आएगा, ये चेहरे की नुमाइश किस काम पे आएगी। ए मेरी बेटी अगर जाना है तो हया का इंतजाम कर, अगर ये नहीं कर सकती तो तेरे लिए जाना उचित नहीं, तू अपने घर में रह, घर में रहना तेरे लिए इस वक्त वाजिब हो गया है, क्योंकि वहां लौंडे होंगे, वहां बदतमीज होंगे, वहां आवारा होंगे, वो आवारों में से किसी ने आवारगी कर दी बेटी तो मेरी करोड़ों की संपत्ति बेकार, मेरा मकान बेकार, मेरी लाखों की पूंजी बेकार, मेरी शोहरत बेकार, मेरी ताकत बेकार, ये 10 बीघा जमीन बेकार। इसलिए एक जमीन फरोश बाप ये चाहता है कि बेटी जहां जाए चला जाए चली जाए, मगर जो बाप बहाया होता है, जिनको दुनिया और आखिरत की फिक्र होती है, जो बाप अपनी दौलत अपनी बेटी को समझता है, जिस बाप की निगाह में उसकी संपत्ति बाप में बड़ी दौलत है, उसकी जमीन बाप में उसकी दौलत है, उसका मकान बाप में उसकी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत जिस बाप की निगाह में उसकी बेटी होती है, वो अपनी बेटी को किस तरह कंट्रोल करता है। मेरी बेटी तुम जलसे में जाओगी नहीं, अगर जाओगी तो नकाब तेरे लिए लाजिम है, दुपट्टा तेरे लिए वाजिब है, पर्दा तेरे लिए जरूरी है,
है। अगर पर्दा नहीं हो सके बेटी मत जा, मैं मर्द हूँ, मैं सुन के आऊंगा। कोई अहम पैगाम अगर मुशविर सुना देंगे, कोई अहम पैगाम मुफ्ती जुबैर साहब सुना देंगे, उन पैगामात को बेटी मैं तुझे बताऊंगा, वरना तुझे बराह रास्त जलसे में मर्दों के शाना बशाना बैठ कर जलसा सुनने की कोई हाजत नहीं। साहब यही आज हमारे सिमांचल में हो रहा है। एक दो जलसे में न हो तो क्या हुआ, दर्जनों ऐसे जलसों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि जलसा होने के बाद बच्चियां भागने पर आमादा हो गई, जलसे के एक हफ्ते के बाद बच्ची घर से गायब हो गई। पता चला जलसे में लड़का मिला, लड़की मिली, आपस में डेट रखा गया, इस तारीख को भागा जाएगा, अगले जलसे में प्लान बनाया गया, नेक्स्ट जलसे में आते आते दोनों फरार हो गए। अगर हमारी बच्ची जलसे के कयाम के बाद अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बच्ची को ना जलसे में जाने थे, ना मार्केट में जाने थे, ना भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने थे। ऐसी पाबंदी उस पर आयद करे जैसे घर से बाहर निकले एक बाप उसको कहे बेटी कहां जा रही हो, कब आना है। अगर एक घंटा भी उसको आने में ताखीर हो तो जिम्मेदार बाप की जिम्मेदारी है उस ताखीर की वजह पूछे। अगर वजह समझ में ना आए तो उस पर सख्ती से काम ले कि बेटी तुम कहां गई थी, खाला की का घर तेरा बगल तेरे घर के बगल में है, तुमको तो 5 मिनट में आना था मगर 1 घंटे लग गए। अगर बेटी कुछ आई बाई बतियाती है बाप उसका मोबाइल चेक करे, उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन ले, क्या जरूरत है साहब, अभी 10 क्लास में पढ़ी नहीं, अभी 11 क्लास में पहुंची नहीं, अभी 15 साल उसकी उम्र हुई नहीं, अभी शादी ब्याह हुई नहीं, क्या जरूरत है। अपनी छोटी बच्ची के हाथ में 25,000 का मोबाइल आप पकड़ाते हैं, यह मोबाइल नहीं, यह आपकी बेटी को मुसीबत में फंसाने का एक बेहतरीन जरिया आपने दे दिया है। जो लोग खबरदार कान खोल कर सुने सब लोग, जो लोग अपनी बेटी की ख्वाहिशात की तकमील में या अपने छोटे बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील में उनके हाथ में वक्त से पहले मोबाइल पकड़ाता है, वह इंतजार करे, आज से 5 साल के अंदर ऐसी शिकायत जरूर सुनने को मिलेगी। वो बेटी जिस पर वो आदमी आज फख्र कर रहा है, जिसके हाथ में एंड्रॉइड सेट देखकर बाप अपनी मौज में घी लगाता है, मैं अमीर आदमी, मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं होगा तो किसकी बेटी के हाथ में होगा, वो इंतजार करे, एक दिन वही मोबाइल उसके महल से कूदने पर उसकी बेटी को मजबूर करेगा। 50 फ्रेंड उसकी बेटी को होगा, 50 फ्रेंड उसके बेटे को होगा, फिर ये समान चल उठेगा। कोई बाप उस वक्त चाहकर भी ना तो अपनी बेटी को रोक पाएगा, ना अपने बेटे को रोक पाएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। इससे पहले हमारा बेटा बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि हमारी बेटी तबाह हो जाए, उनकी इज्जत लूट जाए, आप अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल को छीन लीजिए। अगर 50,000 का मोबाइल आज आपने छीन कर ईंट से उसे तबाह बर्बाद कर दिया तो याद रखिए आने वाले जमाने में आपकी बेटी की करोड़ों की जिंदगी बच जाएगी तबाह होने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे तादु शरिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मुसव्वर रजा PhD पूर्णिया। यानी आज आपने शौक की तकबीर के मोबाइल पकड़ाया है, जब उस मोबाइल के जरिए गाने सुनेंगी 2-4 दर्जन गाने उनको याद होंगे, उस मोबाइल से वो डांसिंग सीखेंगी, उसी मोबाइल से वो बेटी फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए न जाने कितने लोगों को अपना फ्रेंड बना लेगी। अंधे बाप बेअकल बाप, ये उनको होश नहीं है कि बेटी अभी छोटी है मोबाइल की क्या जरूरत है, उनको तो किताब चाहिए, उनको तो कुरान चाहिए, उनको तो हदीस का मुताला चाहिए, उनको सैयदा आमना की जिंदगी चाहिए, उनको हजरत फातिमा के बायोग्राफी का स्टडी चाहिए था। मगर इन सब चीजों को छोड़कर अगर हमारी बच्ची या हमारे बच्चे किसी ऐसे रास्ते पर अपना कदम जमा ले जिस पर अंदेशा हो कि हमारी बच्ची तबाह होगी, तो बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चियों को तबाही से बचाने का कोई ऐसा सटीक रास्ता तय करे जिस रास्ते पे चलने के बाद उसके बाप ये कह सकते हैं कि हमारे पास झोपड़पट्टी है तो क्या हुआ, करोड़ों की इज्जत वाली बेटी मेरे घर में पल रही है। मगर यहाँ शौक क्या है, ये जमाना इतना खराब हो गया, आप चले जाइए, जमाना खराब नहीं मतलब हम लोग खराब हुए, जमाना खराब कहेंगे तो ये क्योंकि सरकारे दो आलम ने फरमाया कि लोग जमाने को गाली देते हैं जबकि अल्लाह फरमाता है कि मैं खुद जमाना बदलता हूँ, मैं खुद जमाना पलटता हूँ। जमाना खराब नहीं, हम लोग खराब हो चुके हैं, या ऐसा दौर आ चुका है आज के डेट में जिनके बदन में सबसे शॉर्ट कपड़ा रहता है वो आदमी वक्त का सबसे अमीर तरीन शख्स कहलाया जाता है। गोवा में मुंबई में आपके आम हालात में आप अपने लोकल एयरपोर्ट्स में चले जाइए, वहाँ देखिए जिनके पास चड्डी बनियान
दरमियान हो तो आप समझ लीजिए कि ये बड़ी घर की बेटी है, इसलिए शॉर्ट कपड़ा पहन के आई है, क्योंकि लोगों का ज़हन बदल गया है। लोगों ने सोचा कि हमारे पास पैसे बढ़ेंगे तो पैसों के एतबार से स्टैंडर्ड तो बढ़ेगी, जिंदगी में तब्दीलियां आएंगी, इसलिए कार में जब बेटी जाएगी दुपट्टा नहीं होना चाहिए, बीवी बाइक पे रहे तो उसके पास दुपट्टा नहीं होना चाहिए, ताकि जिस कदर उरियानियत को वो फरोग देगा वो आदमी अपने किरदार से दुनिया को बताना चाहेगा, देख मैं अमीर आदमी हूं तभी तो मेरी बेटी के पास दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा वो रखे जो गरीब आदमी है, नकाब वो पहने जो फकीर आदमी है, जो तकिया नूसी है वो पर्दे का एहतमाम करे। मैं क्यों इस झमेले में अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी माँ को पढ़ाने जाऊं? ये नकाब लगाओ, वो दुपट्टा लगाओ, ये चेहरा बांधो, वो ढको, ये ढको, अरे आजाद होके जिंदगी गुजारो। ऐसी सोच वाले लोग आज की जमाने में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पैसों की फरावानी है। जिसकी तनख्वाह आज से 10 साल पहले 5,000 थी, अभी के डेट में वो 50,000 रुपया महीना कमाता है। 50,000 रुपया महीना कमाने वाला, उनकी सोच ऐसी जदीद हो जाती है साहब कि वो आदमी अपने को गैरों की तरह देखना चाहता है। अगर काफिर की बेटी जींस पहनती है तो मुसलमानों की ख्वाहिश हुई कि मेरी बेटी भी जींस पहने, ताकि उसकी बेटी मेरी बेटी एक जैसे दिखे। अगर काफिर की बीवी अगर बेहयाई पे आमादा हो गई तो मुसलमानों की तमन्ना हो गई कि मेरी बेटी भी ऐसा करे, मेरी बहन भी ऐसा करे, मेरी बीवी भी ऐसा करे, ताकि मेरा नाम समाज में ऊपर रहे कि ये कोई बड़े घर की बेटी है तभी तो फूल कपड़ा नहीं है, ये बड़े घर की बेटी है तभी तो दुपट्टा नहीं है। ऐसी सोच जिस गार्जियन की है उस गार्जियन को जान लेना चाहिए, वो करोड़पति है, बिना शुभा करोड़पति है, मगर खड़बों की कीमती चीज बेटी की सूरत में उसने नंगा छोड़ दिया है। उस दौलत पर अगर किसी ने टेकार फेंक दिया, गलत निगाह उठा दिया, किसी ने हाथ फेरा दिया, फेर दिया उसके ऊपर, तो करोड़ों की संपत्ति उसकी तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए साहब ये दौलत कुछ दौलत नहीं कि आपके पास 50 बीघा जमीन होना ही चाहिए, आपका घर बायसी जैसे ये छोटे से शहर में होना ही चाहिए, पूर्णिया में होना ही चाहिए। आप 100% कामयाब तब नहीं जब आपका घर पटना और दिल्ली में हो, 100% कामयाब आप तब है कि आप झोपड़पट्टी में भी रहे तो आपकी बेटी आपके बेटे बाप है। जब तक बाल बच्चे बाहया नहीं निकलेंगे तब तक आपकी को सही माने में इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत को तलाश करने के लिए आदमी को अपने किरदार को बुलंद करना पड़ता है। मकान बड़ा नहीं बनाना होता है, बहुत बड़े बड़े मकान वालों को देखा गया, अंदर घुस गई वहां दुनिया की सारी बुराइयां उस घर में जन्म ले रही है, मगर झोपड़पट्टी में रहने वाला, टीन के घर में रहने वाला, फूस के घर में रहने वाला, ऐसे ऐसे गरीब को देखा गया साहब, जो 5 वक्त खुद भी नमाज पढ़ता है, अपनी बेटी से भी नमाज पढ़ने की तलकीन करता है, जो खुद भी नमाज पढ़ता। आज मेरे पास खुद एक कंप्लेंट आया, एक साहब ने कहा कि हजरत ये मेरी बेटी के लिए कुछ ऐसे ऐसा ताबीज दीजिए कि वो 5 वक्त नमाज आसानी से पढ़ सके। मैं सुन के हैरत में आ गया कि एक बाप अपनी बेटी से नमाज पढ़वाने के लिए ताबीज मांग रहा है। पहली मर्तबा कोई शख्स किसी खास और अच्छे काम के लिए ताबीज का मुतालबा किया, वरना तो लोग दौलत के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, ये काम के लिए, वो काम के लिए ताबीज मांगते हैं। मैंने कहा कि साहब इसके लिए ताबीज की कोई जरूरत नहीं, ताबीज देने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी नमाज पढ़े, आपकी बेटी कुरान पढ़े, तो इसके लिए बगैर ताबीज लिए भी एक फार्मूला है, अगर आपने उस पर अमल कर लिया, दुनिया में 50 ताबीजात आपकी बेटी को नमाज छोड़वाने के लिए भी कोई लगाएगा। उस फार्मूले पे अगर आपने अमल कर लिया तब भी आपकी बेटी नमाज पढ़ती रहेगी। उसने कहा कि जनाबे वाला इसके लिए क्या शर्त है? मैंने कहा बस शर्त यह है, आप बाप हो? कहा हाँ। कहा उनकी माँ जिंदा है? कहा हाँ। बस माँ और बाप ये दोनों मिलकर 5 वक्त गारंटी से डेली नमाज पढ़े, एक तो हफ्ता तक नमाज पढ़ते रहे। आप अभी एक हफ्ता तक नमाज कायदे से नहीं पढ़ेंगे, उधर आपकी बेटी नमाज पढ़ना शुरू कर देगी, और ऐसी नमाज आपकी बेटी पढ़ेगी, इतनी इबादत आपकी बेटी करेगी कि दुनिया की तमाम ताकतें अगर आपकी बेटी को नमाज से रोकना चाहेगी, फिर भी उन तमाम ताकतों को जेर करके भी आपकी बेटी सजदे पे सर झुकाएगी। हम नमाज पढ़ते नहीं, अपनी बेटी से कहते नमाज क्यों नहीं पढ़ती? हम खुद इबादत करते नहीं, अपने बच्चों से इसकी क्या उम्मीद रखते हैं? चोर बाप जो चोर होगा अपने बेटे को हाफिज़े कुरान भी बना देगा ना,
उस चोरी की 900 ये होगी कि उस चोरी का असर उसके बच्चे के जिनों दिमाग पे पड़ेगा। इमरान हाशमी के ताल्लुक से मैंने पढ़ा था पिछले दिनों एयरपोर्ट में, किताब में, एक मैगजीन में मैंने पढ़ा, इमरान हाशमी फिल्म इंसान का एक बड़ा नाम इस वक्त है अश्लील मूवी बनाने के एतबार से, मगर उसका जब बैकग्राफी में पढ़ा मैं दंग रह गया कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जो मुकम्मल 30 बार कुरान हिफ्ज किया, इमरान हाशमी कोई मामूली शख्स नहीं, 30 बार कुरान जिसने हिफ्ज किया हो, 300 बार कुरान की बरकत तो ये होनी चाहिए कि वो इमरान हाशमी इस वक्त किसी मस्जिद का इमाम होता, कहीं अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा होता, किसी स्टेज का खतीब होता, बावजूद इसके 30 बार कुरान जिस इमरान हाशमी के सीने में महफूज रहा हो, फिर भी वो आज अश्लील मूवी बना रहा है। फिल्मी दुनिया का एक बुरा नाम, इस्लामिक एतबार से बुरा नाम इमरान हाशमी का है। मैंने कहा ये कैसे हो गया कि एक हाफिज कुरान इतना खराब काम कैसे कर रहा है, बाद में पता चला कि इमरान हाशमी हाफिज कुरान तो था मगर ये हाफिज कुरान बनना उसके लिए ज्यादा वैल्यूएबल नहीं साबित हो पाया, क्योंकि उसकी माँ भी एक्ट्रेस है, उसका बाप भी कहीं का हीरो, जब बाप हीरो माँ हीरोइन, बाप एक्टर माँ एक्ट्रेस हो, उस बेटे को हिफ्ज करने के बाद भी बुराई से कोई नहीं बचा सकता है। माँ गाना गाने वाली होगी तो बेटा गाएगा ही, माँ अगर बच्चलन होगी तो बेटा वैसा करेगा ही, बाप अगर बच्चलन होगा तो बेटा ऐसा करेगा ही। एक ही रास्ता है, बेटे को आलिम बनाए ना बनाए, हाफिज बनाए ना बनाए, डॉक्टर बनाए ना बनाए, इंजीनियर बनाए ना बनाए, अगर आप 100% कामयाबी चाहते हैं तो अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसफ्फर रजा पीएचडी पूर्णिया। हम में से ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश क्या है, हजरत मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर बने, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बने। एक एक शख्स को देखा गया, जमीन बेचता है बेटे की पढ़ाई के लिए, मकान बेचता है बच्चे की पढ़ाई के लिए। अच्छी बात है, एक बाप अपने बच्चों की तालीम के लिए जो भी कर दे कम है, मगर सिर्फ तालीम दुनिया की समस्या का समाधान नहीं है। आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा अगर आपने उसको कभी अगर इस्लामिक तरबियत नहीं दी, आपने कभी उनको इस्लाम नहीं सिखाया, तो आपका बेटा आपके समाज को तबाह करने के लिए काफी होगा, आपका बेटा आपको बर्बाद करने के लिए काफी होगा। सिर्फ डॉक्टर बेटा, सिर्फ इंजीनियर बेटा, सिर्फ मास्टर बेटा, सिर्फ आलिम बेटा अपने माँ बाप का कभी खैर खा नहीं हो सकता है। हाँ, वो बच्चा जरूर माँ बाप का खैर खा होगा जो डॉक्टर हो ना हो, अगर उनके वालिदैन ने उनको इंसानियत का पैगाम दिया है, इंसानियत की तरबियत दी है, उसका बेटा नहीं भी कुछ बनेगा तो क्या हुआ, 5,000 रुपया महीना कमाएगा फिर भी बाप को सीने से लगा के रखेगा, 5,000 रुपया महीना कमाएगा, अपनी माँ से मोहब्बत करेगा। आज जो ये समाज हमारा जल रहा है, हर बूढ़े की शिकायत हजरत मेरा बेटा मेरी बातों पे नहीं, हर बूढ़े की शिकायत मेरी बहू मेरे बात पे नहीं, मेरा बेटा मेरी बात पे नहीं, कमा के मुझे पैसा देता नहीं, कैसे देगा, कैसे तेरा बेटा तेरी बात मानेगा, जब तरबियत का वक्त था तूने अपने बेटे को तरबियत नहीं दी। एक ही नशा तेरे जहन पे था कि मेरा बेटा पहले पूर्णिया में किसी छोटे स्कूल में पढ़े, उसके बाद पटना के किसी कॉलेज में पढ़े, फिर दिल्ली के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहां से बड़ी और भारी भरकम डिग्री लेकर मेरा बेटा आ जाए, MBBS डॉक्टर बन जाए, एक बड़ा इंजीनियर बनकर मेरा बेटा समाज में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बन जाए। ए जनाब, पहले ही आपने गलत फैसला किया है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाना अच्छी सोच है, मगर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा उस स्कूल में पढ़ने के वक्त मेरा बेटा क्या कभी इंसानियत की तालीम लेगा या नहीं लेगा। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़कर इंसान बनना नहीं सीख पाता है, कॉलेज में पढ़कर इंसान नहीं सीख पाता है, तो आप समझ लीजिए आपके बच्चे का डॉक्टर बनना बेसुध है, इंजीनियर बनना बेकार है, आईएएस बनना बेकार है, क्योंकि समस्या का समाधान न तो डॉक्टर बनने में है, न इंजीनियर बनने में है, न आईएएस बनने में है, समस्या का समाधान इस वक्त इंसान बनने में है। इसलिए हम में से हर एक इंसान की कोशिश हो कि हमारा बेटा कुछ बने ना बने एक नंबर का इंसान बन जाए। जब बच्चा इंसान बनेगा, बड़ों की इज्जत भी करेगा, छोटों का एहतराम भी करेगा, छोटों से मोहब्बत भी करेगा, माँ से मोहब्बत करेगा, बड़े भाई की बात मानेगा, बाप का एहतराम करेगा, वरना साहब
खाली पीली पढ़ाने से कुछ नहीं होता, जमीन बेच के पढ़ा देता बेटे को, बेटा जब कमाने के काबिल होता है बाप को लात मार के घर से बहू को लेकर वो फरार हो जाता है। अब कहाँ रहेगा, शहर में रहेगा, क्योंकि पैसों की फरावानी है। कौन डॉक्टर जो 5 लाख 10 लाख पर डे कमाता हो वो कभी चाहेगा कि बाईसी में माँ बाप को लेकर रहेगा? वो यही चाहेगा कि मैं पटना में रहूं, बीवी पटना में रहे, और ये बुढ़वा बुढ़िया, ये बुढ़ा बुढ़ी, ये दोनों बाईसी में ही घुट घुट के जिंदगी गुजारे। 2-4 हजार रुपया महीना बेटा वहां से भेज कर सोचेगा मैंने एहसान कर दिया, इससे पहले कि हमारे बच्चे भी इस कदर बदतमीज हो जाएं कि वो हाई स्कूल का मास्टर हो और वो हमारी बात ना मान पाए, वो कहीं का डॉक्टर हो हमारी बात नहीं मान पाए। हमको अगर उनकी तालीम को रोकना पड़े तो उनकी तालीम रोक कर पहले अपने किरदार से उनको इंसान बनाकर दिखा दे। जब हमारा बच्चा इंसान बनेगा वो डॉक्टर नहीं भी बनेगा तो कामयाब रहेगा। ये तरबियत देनी पड़ेगी ना। ये तरबियत कैसे मिलेगी? स्कूल वाले तरबियत नहीं देंगे, स्कूल वाले सिर्फ पढ़ा सकते हैं, कॉलेज वाले सिर्फ पढ़ा सकते हैं, जो किताबों में जो बातें लिखी होंगी उसी को पढ़ाई जाएंगी और उसी पर एक्सपेरिमेंट होगा, उसी पर रिसर्च होगा, उसी पर तहकीक होगी। मगर सही मानों में अगर एक बाप चाहता है कि मेरे बच्चों को सही तरबियत मिल जाए तो उस बाप को अपने किरदार से तरबियत देनी पड़ेगी। बाप खुद सच बोलेगा, बेटा सच बोलेगा। माँ खुद सजदा में सर रखेगी, बेटियां खुद सजदे में सर रखेंगी। माँ खुद ही गाने से परहेज करेंगी, बच्चियां ऑटोमेटिकली गाने से परहेज करेंगी। बाप खुद ही फिल्म नहीं देखेगा, बच्चे खुद भी फिल्म से पास आ जाएंगे। ये सारी चीजें जब तक हम नहीं करेंगे हम अपने बच्चों को कामयाब होते कभी नहीं देखेंगे। आज हमारा चलता हुआ समाज कोई किसी को समझाने के काबिल नहीं रह गया। हर आदमी की एक आजादाना जिंदगी है, हर इंसान अपनी जिंदगी अपने एतबार से जीता है। एक बाप के सामने जवान बेटा रात के 12 बजे घर आता है, आता है कि नहीं आता है? 12 बजे घर आता है, बाप खिल्ली खोल के बेटे का इस्तकबाल करता है, मगर उस वक्त बाप अपने बेटे को ताखीर की वजह नहीं पूछता है, ये नहीं कहता बेटा 12 बजे रात किसके साथ तू था, कहां से आया है, क्यों इतनी देर कहां कहां बैठा था, कौन कौन तुम्हारा फ्रेंड है। जब तक एक बाप अपने बेटे को बार बार टोकेगा नहीं उसकी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। आज बचपने में बाप अगर अपने बेटे को सही दिशा निर्देश देना चाहता है सबसे आसान तरीका है मोहब्बत से उसको पहले मना करे, गलत करने से मना करे, खता करने से मना करे। अगर नहीं मानता है तो वो आपकी औलाद है, वो आपका बच्चा है। तो 4 चूता एक दिन सर पे उनके मार के उनको समझाइए कि मगरिब के आजान के बाद घर के सदर दरवाजे को क्रॉस नहीं करना है। एक दिन सख्ती कर दे बाप, बचपन में वो बेटा अपने को संभाल लेगा। जब तक आप जिंदा रहेंगे वो आपकी इजाजत के बगैर मगरिब बाद घर से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। और आज आप रोकेंगे नहीं कल आप बूढ़े होंगे, आपके सामने किसी की भी लड़की को वो घर में घुसा लाएगा, कहीं की भी लड़की को उठा लाएगा, कुछ भी कर बैठेगा, शराब ले आएगा पिएगा, क्योंकि वो जान लेता है, जान जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, शायरे इस्लाम हजरत नायाब व मंजर साहिबान कलकत्ता, उलमा अहले सुन्नत। ये देख रहे ना, मैंने बताया था जिनके बारे में, वो दोनों साहिबान तशरीफ ला चुके हैं। आवाज़ क्या है, अंदाज़ क्या है, आज इस ज़माने में किसी को बताने की कोई हाजत नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जोड़वे तो बहुत शायर हैं, मगर मैं भी पर्सनली जिन जोड़े को पसंद किया हूँ उनमें से नया मंजर भाई साहब है। बाकी और लोग इससे अच्छा पढ़ते होंगे, मगर सिर्फ पढ़ना अच्छी बात नहीं है ना, आदमी भी तो अच्छा होना चाहिए। अब बावर्ची कितना अच्छा रहे और चोरी करे डेली, खाना खूब लजीज बना दे, खाना बनाने के बाद आधा लीटर तेल वो घर लेके चला जाए, रोज प्याज लेके भाग जाए, वो आपका आपका घर आपकी भट्टी बैठा दे, तो आप कहेंगे हजरत बावर्ची तो बहुत अच्छा है, बस हल्की फल्की चोरी मुरी करता है तो फिर कैसे वो अच्छा हुआ। इसलिए कोई कितना अच्छा पढ़े उसके लिए जरूरी ये नहीं, वो आदमी कितना अच्छा है ये बहुत मायने रखता है। नायाब मंजर साहिबान ये दोनों बहुत खुश अखलाक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, संजीदा है, जबरदस्ती समाज पे कौम पर बोझ नहीं भी बनते हैं, जराफ साफ बोलते हैं, अच्छे इंसान है। आप दुआ फरमाए कि जल्दी मेरी तकलीफ खत्म हो जाए ताकि आप इनको समाप्त कर सके। बस 2-4 बातें मेरे जहन पे अब रह गई, मैं कह दूं। दौरान इसी दौरान गुफरान भाई जो आपकी जमात का एक अच्छा शायर,
बहुत अच्छा शायर, इनके भाई साहब मौलाना तुफैल साहब जो मुंबई मुमरा में रहते हैं, अभी मैं गया था मुंबई तकरीर करने, उन्होंने ऐसा अखलाक उन्होंने पेश किया, बाखुदा मैं बहुत खुश हुआ। इतने बड़े आलिम जिनका मकान मुंबई में हो, खुद अपना सारा सिस्टम हो, उसके बावजूद मुझ जैसे छोटे मौलवी की जूतियां भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह वो रख रहे थे। ये मेहमान नवाजी है साहब, मैंने इनके भाई से सिखाया। आप दुआ करें कि अल्लाह दोनों भाई को सलामत रखे। मैं ये बताना चाह रहा था कि आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, आप एक बाप अगर अपने बच्चे को बचपन में उसकी तरबियत सही नहीं करेगा, उससे फल खाने की उम्मीद छोड़ दे, ये उम्मीद छोड़ दे कि उसका बेटा बाद में चल के अच्छा इंसान बनेगा। हम अपनी निगाहों को कड़ी कर ले, निगाह हम जितनी कड़ी करेंगे, सख्त करेंगे, हमारे बच्चे उतने सीधे बनते चले जाएंगे। आज हमने अपने बच्चे को जो आजाद छोड़ा है, यही आजादी एक दिन हमारे समाज को आग लगाने के लिए काफी हो जाएगी। हमारा समाज ऐसे खतरनाक तरीके से जलेगा, उस वक्त हम दुनिया के सारे पानी को उस जलते हुए समाज के ऊपर डालकर भी उसे बुझाना चाहेंगे, मगर उस वक्त आग भड़क चुकी होगी। इससे पहले कि हम जल जाए, हमारा समाज जल जाए, हमारी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए, हम ईमानदारी से एक गार्जियन बनने की जिम्मेदारी निभाए, हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, सच बोलने की ट्रेनिंग दें, उनको ऐसी तरबियत दें, बेटा सच बोला कर, बेटा हया किया कर, बेटा निगाह नीची कर रख, बेटा किसी की लड़की को देखकर कोई बात मत बोल। जब एक बाप बार बार अपने बेटे को यह समझाएगा, एक बेटी जब अपनी एक माँ जब अपनी बेटी से कहेगी, बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती है, कौन तेरे साथ जाता है, वो कौन लड़का है जिससे तुम बात कर रही थी, वो कौन है जो तेरे फेसबुक में तेरा फ्रेंड है, वो कौन है जिससे तू व्हाट्सएप पे बातें करती है, जब माँ 24 घंटे में 2-4-5 बार अपनी बेटी का मोबाइल छीन कर फेसबुक चेक करे, व्हाट्सएप चेक करे, किससे बात कर रही है ये पूछ ले, जब ये करना शुरू करेगी, उसकी वो बेटी जिसने ये प्लान बनाया होगा कि आने वाले हफ्ते में कोई बड़ा खता मुझे करना है, वो बेटी देख लेगी कि माँ की निगाह सख्त उसके ऊपर पड़ चुकी है, वो बेटी अपने दिल में बसाए जंगली ख्वाहिशात को निकाल कर बाहर फेंक कर वो किसी किताब का मुताला करके सैयदा फातिमा की कनीज बनती भी नजर आएगी। वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारी बेटियों को जलील होने से बचा सके, क्योंकि साहब हमारे समाज में कोई हया की बात करने वाला तैयार नहीं, सबका शौक अपना अपना अलग है। एक बाप अलग जगह अपनी जिंदगी गुजार रहा है, दिल्ली में रहने वाला बाप वहां किसी की बेटी के साथ वो रंगलेलिया मना रहा है, तो बिहार में उसकी बेटी तो किसी और के साथ मनाएगी ही। तरीका यह है, हम वहां किसी की बेटी को देखें तो उसको इज्जत से उसके साथ पेश आए, ऑटोमेटिकली हमारी बच्चियों की इज्जत की मुहाफजत अल्लाह बरते से फरमाएगा। आज हमारे जलते हुए समाज का एक रीजन ये भी है कि हम में से कोई किसी को समझाने के लायक नहीं, क्योंकि सब अलग जिंदगी में मस्त है, हर आदमी आंखें सेकने को तैयार है। जलसों में जब हम लोग जाते हैं साहब, रेड लाइट जलाने वाले जो रेड लाइट जलाते हैं किसी को टारगेट करने के लिए, डायरेक्ट चेहरे पे मारने वाले, ऐसे भी बदतमीज टाइप के लोग भी जलसे में आकर हमारी बच्चों की तरफ रेड लाइट चलाते हैं। वो शायद भूल जाते हैं कि आज हमने रेड लाइट चलाकर किसी लड़की को टारगेट करके उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करने का जो मैंने हथकंडा अपनाया है, आने वाले जमाने में हमारी बेटी के साथ भी ऐसी बदतमीजी करने के लिए कोई सड़कों पे खड़ा होगा। एक ही तरीका बचने का है, हम दूसरों की इज्जत करें, अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जत की मुहाफजत फरमाएगा। जब तक हम नहीं करेंगे, हम पूरा कुरान पढ़ के थक जाए, पूरा कुरान बेटी से याद करवा ले, जब तक हम गुनाहों से नहीं बचेंगे, तब तक हमारे बच्चे और बच्चियां गुनाहों से बचने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे। वो गरीब का वाकया मैं अक्सर छोटे बड़े जलसों में अपने इलाके में बता दिया करता हूँ। ऐसा गरीब, इतना गरीब तो शायद बाद इस जमाने में कोई होगा, 3 दिन हो गए बाप भूखा है, बेटी भूखी 18 साल की उसके घर में, मगर 3 दिन से महल्ले के जो लोग जो मयसर होता लाके पहुंचा देते, खा लेती बेटी, खा लेता वो बूढ़ा आदमी, मगर 3 दिन के बाद अब जब महल्ले के किसी के घर से रोटी नहीं आई, सब्जी नहीं आई, खाने का इंतजाम नहीं हो सका, बेटी अचानक रात में बाप के पास आई, कहती है, अब्बा
अब तो रोटी भी नहीं है, अब कल नाश्ते का इंतजाम कहां से होगा, दोपहर में आपकी बेटी क्या खाएगी, शाम के खाने का इंतजाम कैसे होगा। 80 साल का बूढ़ा बाप 18 साल की जवान बेटी, बेटी बाप से कहती है अब्बा कमाने का रास्ता निकालिए, अब्बा कहीं से काम करके दो चार पैसे का इंतजाम आप कीजिएगा, नहीं तो आपकी बेटी क्या खाएगी क्या पकाएगी। बाप बुढ़ापे में भी बेटी की बातों की कदर करता है। इस जमाने में बूढ़े बूढ़े लोगों को जब उनके बेटी का फोन आता है, अब्बा 15 साल पहले शादी हुआ था और अभी शादी भी थी और अभी ये लड़का जो 15 साल के बाद अपने ससुर से अपने कहलवाता कि मुझे अपाची चाहिए। अब पांच बेटी का बाप पहली वाली बेटी को साइकिल दिया था, छोटी वाली बेटी के जमाने में बाइक की बात आ गई, अपाची की बात आ गई, छोटी बेटी को अपाची जैसे दिया फौरन फोन आ गया कि छोटकी को अपाची मिली है तो हमको भी अपाची चाहिए, हमको अपाची नहीं दीजिएगा। अब इस उम्र में भी उस बाप को जब खबर होती है कि उसकी बड़ी बेटी को उसके ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, तो 80 साल के बूढ़े बाप के दिमाग में यही घूमते रहता है कहां से गाड़ी का इंतजाम हो, कहां से पैसे का इंतजाम हो, कैसे मैं बेटी को खुश कर दूं। यानी बाप चाहे जितने उम्र का हो, बूढ़े से बूढ़ा हो जाए, करीबुल मर्ग हो जाए, जब तक जिंदा रहता है बाप की तमन्ना होती है कि उसकी बेटी के आंख में आंसू का एक कतरा भी नहीं आए। यही वजह है इस जमाने में भी एक बाप अपनी जमीन बेच कर भी बेटी की शादी दिलाता है, मकान गिरवी पे रखकर बेटी की ख्वाहिशात की तकमील करता है। वो बूढ़ा बाप जैसे उसकी बेटी कहता है अब्बा आप जाइए कहीं से काम करके पैसे का इंतजाम कीजिए, नमाज़े फज्र पढ़ा, बेटी ने झोला पकड़ाया बाप को, बाप झोला लिया मार्केट चला गया, सुबह से शाम तक एक बूढ़ा मार्केट में घूमता रहा, शाम हो गई शाम तक घूमता रहा, कोई काम जब ना मिल सका वापस वो बूढ़ा घर आया है, घर पे देखता क्या है बेटी दरवाजे पर खड़ी बाप की आमद का इंतजार इस तमन्ना के साथ कर रही है कि अब्बा अभी मार्केट से आ रहे होंगे, अब्बा झोली भर के सामान लाए होंगे, इसी इंतजार में बेटी वहां पे खड़ी है। मगर जैसे बूढ़ा घर पहुंचा है बेटी की निगाह बाप की निगाहों से बाप में टकराई, पहले बाप के हाथ से लगी खाली झोली को बेटी ने देख लिया, बेटी कहती अब्बा यह आपकी झोली खाली है, अगर आपने रोटी का इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी क्या खा के नमाज ईशा पढ़ेगी, कैसे रात गुजारेगी, अब्बा आपकी बेटी कैसे इबादत करेगी। बाप चुपचाप बेटी का हाथ पकड़ा घर के अंदर ले गया, कहा बेटी आ मैं तुझे बताता हूं कि तेरी रात कैसे गुजरेगी, मेरी बेटी कल रात अगर तूने नमाज ईशा के बाद 4 रकत नफल नमाज पढ़ी थी आज 12 रकत पढ़ दे तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी, कल रात अगर तूने एक पारे कुरान पढ़े थे आज 5 पारे कुरान पढ़ दे तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। बाप कहता है मेरी बेटी अगर तू चाहती है कि तेरे बाप को अल्लाह इससे बेहतर बदला कल अता फरमाए तो बेटी तू सब्र कर नमाज का दामन पकड़ ले, अल्लाह पे भरोसा कर, बेटी तू अल्लाह पे भरोसा करेगी सब्र करेगी इस भरोसे के बदले अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर नतीजा कल अता फरमा देगा, बेटी चल नमाज अदा कर। अब इस जमाने में ये मुसीबत किसी को आए तो नमाज पढ़ेगा कोई, मामूली सी तबीयत खराब होती है, अभी रमजान शरीफ आने वाला है एक महीने के बाद आप देखिएगा कि अक्सर लोग क्या करेंगे, एक टेबलेट मामूली सी दवाई अपनी पॉकेट में लेके घूमेंगे, वो पान खाए जैसे आप पूछे पान क्यों खा रहे हैं, वो बोलेगा हजरत गैस का प्रॉब्लम है, शुगर का पेशेंट हूँ, हार्ट का मरीज हूँ, गैस बनता है, भूखे नहीं रह पाता हूँ, मेरे पास ये है मेरे पास वो, 50 बीमारियां वो गिनवाएगा मगर वो सिगरेट खुले आम पिएगा। ऐसे लोगों को चाहिए कि इस बुजुर्ग की जिंदगी से सबक ले ले क्योंकि वो बुजुर्ग खुद 3 दिन से भूखा है, जवान बेटी 3 दिन से भूखी है, बेटी कहती है अब्बा मैं कैसे रात गुजारूंगी, बाप ये नहीं कहता कि चुपचाप तकिया लगा के सो जा बल्कि बाप एक्स्ट्रा बोझ डालते हुए अपनी बेटी से कहता है मेरी बेटी कल से ज्यादा नमाज आज रात पढ़ ले तेरी रात गुजर जाएगी, कल से ज्यादा इबादत आज रात कर तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। अब क्या हुआ, बेटी पूरी रात बिस्तर पे पड़ी रही सोचती रही, फिर नमाज़े फज्र पढ़ी, फिर उसके बाद बाप मार्केट चला गया, मार्केट में शाम तक घूमा, फिर वापस आया, लगातार 3 दिन तक 80 साल का बूढ़ा मार्केट जाता रहा वापस आता रहा, काम की तलाश में ठोकरे खाता रहा, कहीं काम ना मिला। 4th सुबह को बेटी ने आखिरी अल्टीमेटम देकर
अपने बूढ़े बाप को कहा, अब्बा ये लास्ट चांस है, अगर आज रात आपने खाने का इंतजाम, रोटी का इंतजाम, चावल का इंतजाम नहीं किया तो याद रखिए आपकी बेटी को गलत कदम उठाने पड़ेंगे। बाप बहुत घबरा कर मार्केट जाता है, पूरा दिन चौथी सुबह से शाम तक मार्केट में घूमता रहा, शाम हो गई फिर चौथी शाम को भी नाकाम होकर वो बूढ़ा जब घर लौटा है, अभी घर के दहलीज पे कदम रखा ही था, बेटी कुछ बोल नहीं चाह रही थी, इतने में बूढ़ा घबरा कर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। इसलिए बेहोश हुआ कि एक तो 80 साल का बूढ़ा है, 80 साल के बुढ़ापे में 4 दिन लगातार मार्केट पैदल जाना, मार्केट से पैदल वापस आना, भूख की शिद्दत अलग है, चौतरफा मुसीबत में घिरा वो 80 साल का बूढ़ा बेहोश होकर गिर पड़ा। बेटी जवान घबरा गई, समझ गई लगता है अब्बा कुछ खाए नहीं थे इसलिए बेहोश हो गए। बेटी सोचती है अगर मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर इस घर में बैठी रहूंगी तो मेरा बाप भूख से मर जाएगा। अब वो बेटी रात भर सोचती रही कहां से रोटी का इंतजाम हो, कहां से चावल का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से दाल का इंतजाम हो। रात के आखिरी पहर नमाजी इंसान की बेटी के दिमाग में एक शैतानी वसवसा हाइल हुआ। अब वो नमाजी की बेटी, इबादत गुजार की बेटी, आबिदे शबे जिंदादार की बेटी, रोजेदार की बेटी रात के अंधेरे में नकाब पहन के अपने घर के दरवाजे को क्रॉस करके वो छलांग लगा के मार्केट चली गई। इधर अजान फजर की आवाज सुनकर बेहोश पड़ा हुआ वो बूढ़ा खड़ा हुआ, देखता क्या है बेटी अपने हुजरे में है नहीं, पूरा घर तलाश किया, पड़ोस में तलाश किया, जब बेटी का कोई सुराग कोई अता पता न चला, वापस वो नमाजी बाप वो बूढ़ा बाप अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां वो अक्सर नमाज पढ़ा करता था, जहां से अपने रब को याद किया करता था, उसी कमरे में दाखिल हुआ और अपनी पेशानी को सजदे में रखकर अल्लाह से मुतालबा किया, ए मेरे परवरदिगार इस बूढ़े को तू मुलाहजा कर रहा है, अल्लाह मुझे तूने फकीर बनाया तेरी मर्जी पर मैं खुश रहा, ए अल्लाह मुझे गरीब बनाया मैं गुर्बत पे नाज करता हूँ, मगर ए परवरदिगार इस गरीब को इस गुर्बत में तूने 18 साल की हसीना जवान बेटी की दौलतों से सरफराज फरमाया था, मगर ए मेरे परवरदिगार आज इस गरीब की बच्ची इसे बताए बगैर न जाने कहां चली गई है, पता नहीं कहां भाग गई है, ए मेरे परवरदिगार ये बूढ़ा अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला है तब से आज तक जितने सजदे किए हैं उन तमाम सजदों में अगर तूने एक सजदे को भी कबूल फरमाया है तो अल्लाह उसी मकबूल सजदे का वास्ता है कि इसकी बेटी की इज्जत को बचा लेना, इस बूढ़े की बेटी की इज्जत की मुआफ़त फरमाना। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी की 100% इज्जत की सुरक्षा के लिए अपनी पेशानी को सजदे में रखकर अल्लाह से मुतालबा कर रहा है। उधर शाम होते ही दरवाजे से खटखट की आवाज सुनाई दी, बूढ़ा अपनी पेशानी से सजदे से सर को उठाया और वो किल्ली खोल कर देखता क्या है, वो बेटी जो सुबह भागी थी शाम को दरवाजे खड़ी मुस्कुरा रही है। बाप अपनी बेटी से कहता है, बेटी कहां भाग गई थी, बेटी कहां चली गई थी, बेटी मैं कहां कहां नहीं तलाशा, बेटी देख तेरे बूढ़े बाप की क्या हालत बन चुकी है, बेटी देख तेरा बूढ़ा बाप कितना रो रो कर इसकी हालत खराब है, देखी बेटी देख के दाढ़ी रो रो कर बिल्कुल कुंदर हो चुकी है। बेटी कहती है, अब्बा आप खामोश रहिए, अब्बा अब्बा आप चुप रहिए अब्बा। बाप कहता है, बेटी जल्दी बता तू कहां गई थी। बेटी कहती है, अब्बा मैं 4 दिन से लगातार देख रही थी कि आप मार्केट काम की तलाश में जा रहे थे, आपको काम नहीं मिल पा रहा था, आप वापस खाली हाथ खाली झोली लेकर घर आ रहे थे। अब्बा मैं समझ गई कि कोई अकलमंद आदमी आप जैसे बूढ़े और कमजोर आदमी को भला कैसे मजदूरी पे लगाएगा। अब्बा मैं फैसला कर ली कि अगर ऐसा ही मामला रहा तो आप भूख से मर जाएंगे, आपकी बेटी भी भूख से मर जाएगी। अब्बा जिस दिन आप बेहोश होकर दरवाजे पे गिरे थे वही मैंने फैसला कर लिया कि अगर मैं ऐसे बैठी रहूंगी मेरा बाप भूख से मर जाएगा। अब्बा मैं रोटी के इंतजाम में मार्केट गई थी नकाब पहन के, इरादा ये था मार्केट के भीड़ भाड़ पे मैं जाकर नकाब के पट्टे को खोलकर जब खड़ी हो जाऊंगी हजारों लोग आएंगे जाएंगे, उन हजारों की गुजरगाह पर जब मैं खड़ी रहूंगी उनमें से 2-4-5 ऐसे जरूर होंगे जो मेरे हुस्न को देखकर मेरी जवानी को देखकर मेरे बदन को देखकर मेरे करीब आएंगे और मैं अपने जिस्म के बदले 2-4 पैसे
पैसा उससे मांगकर उसी पैसे से अब्बा मैं रोटी खरीद कर आपको मर आपको खिलाकर आपको मरने से बचा लूंगी। इतना जब एक एक गैरतमंद बाप सुनता है, एक नमाजी बाप, इबादत गुजार बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत बेचने मार्केट गई थी, बाप कहता है बेटी जल्दी बता किन किन लड़कों ने तेरा बदन टच किया, किन किन लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया। बेटी कसम खा के कहती है अब्बा खुदा की कसम आपकी ये जवान बेटी गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, मगर कसम खुदा की अब्बा मार्केट के भीड़ भाड़ में ये आपकी बेटी जिस जगह खड़ी थी शाम तक वही खड़ी की खड़ी रह गई। ए अब्बा मेरा बदन कोई क्या टच करता, मुझे कोई क्या इस्तेमाल करता, मैं जहां खड़ी थी वहीं मैं खड़ी रह गई। मैंने हजारों लोगों को देखा, मैंने हजारों लोगों को आते देखा जाते देखा, मेरा बदन कोई क्या टच करता, मुझे तो किसी ने गलत निगाह से देखा तक नहीं। बाप कहने लगा मेरी बेटी तुझे कैसे कोई गलत निगाहों से देखेगा जबकि मैं तेरा बूढ़ा बाप आज तक दूसरों की बेटी को कभी बुरी निगाहों से नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजो शरिया हजरत डॉक्टर मुसफ्फर रजा पीएचडी पूर्णिया। आप समझ रहे हैं ना, अगर जब तक हम गार्जियन हैं, जब तक हम लोग खुद नहीं संभलेंगे, दूसरों की बच्चियों की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक हमारी बच्चियां नहीं बचेंगे, और हम बेइज्जत करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी बच्चियां ऐसे रुसवा हो जाएंगे। हजरात आप जलसे का ऐलान समाप्त किए ही होंगे, तामीर मस्जिद के सिलसिले में जलसा निशान रखा गया। मस्जिद के बनाने में अव्वलन इस इलाके में खासतौर पर बहुत जलसे होते हैं, इस पर आप लोग ध्यान दें। जलसा कॉमनली कराएं, जलसा कॉमनली कॉम के तौर पर आप 10 लोग मिल गए, 1,000 रुपए दिए, जलसा जरूरी समझ लें। किसी मस्जिद के कयाम के लिए, कब्रिस्तान को घेरने के लिए, मीनार बनाने के लिए जलसा अगर करेंगे तो सब पैसा जलसे में खत्म हो जाएगा, तो मस्जिद कहाँ से बन पाएगी, मीनार कहाँ से लग पाएगा, ये भी एक सोचने की बात है साहब। लेकिन जब आपने कर लिया है, ये अच्छी चीज़ है कि मस्जिद के नाम से आपने जलसा किया है, तो बेहतर यह है कि आप और हम सब लोग मिलकर अपने किसी भी मुसलमान के गांव में अगर कोई मस्जिद की तामीर हो रही है, मुसलमान 100% कामयाब वो है जिसकी कोशिश से उसके इलाके की मस्जिद शानदार बन जाए। मैं चाहूँगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा, मैं आपका मेहमान हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो इस गाँव की मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर कोई 500 वाला एक भाई खड़ा होगा तो मैं इरादा करता हूँ कि उसका नाम भी बोलूँगा और अच्छी दुआओं से नवाजूँगा। सिर्फ 500 रुपये की बात हो रही है, 500 रुपया कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है। हुंडा शोरूम से असद साहब ने 1100 रुपए दिया, मैं तो 500 अपनी मर्जी से, अगर आप अपनी मर्जी से देंगे तो ये तो और अच्छी बात है साहब। आपने 500 मांगा, कहेंगे हजरत मैं तो 1000 दिया, तो मैं और कस के नारा लगाऊंगा, 1000 रुपया शोरूम हुंडा शोरूम भैया ने दिया। 500 रुपया से आप आते रहिए, जिनके पास 500 रुपये है 500 रुपया लेकर आते रहिए इंशाल्लाह। शहजाद मुखिया साहब ने 500 रुपया दिया, अल्लाह खैर फरमाए, जजाए खैर अता फरमाए। और सबसे बेहतर बात है कि मुखिया लोग अगर मस्जिद में हिस्सा लें, ये बहुत बड़ी बात है, ये तो 500 रुपया है मगर इलेक्शन में तो 55,000 लोग। क्या नाम है? नूर अख्तर साहब ने 500 रुपया पेश करना चाहा, फिर 1000 रुपया दिया, माशाल्लाह 1000 साहब नूर अख्तर साहब ने मस्जिद की तामीर के लिए दिया, तरक्की के लिए। हाशिम ठेकेदार गुड़ीहाल मुंबई, मैं तो 500 मांगा था, ये लोग 3000 दे रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए। और भाई साहब 500 लेके आते रहिए, मुसव्वी रजा 500 ही लेता है। पनाउल्लाह साहब के नाम से मस्जिद में दिया गया 510 रुपया। और कोई भाई साहब 500 रुपया तो ऐसे यार खत्म हो जाता है, एक झटके में आदमी खत्म हो जाता है। अल्लाह के घर में अगर आप 500 दे रहे हैं, ये 500 रुपया माशाल्लाह। आपका नाम? 100 रुपया भाई साहब ने दिया। और भाई साहब लोग कोई अभी जल्दी नया भाई आएंगे इंशाल्लाह, इनसे भी आप समाज करेंगे, मगर मैं गुजारिश करता हूँ मैं 500 से कम लूंगा नहीं, वो आम चंद